नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मैं हूं आपका मेंटर गौरव सिंह, और आज हम लोग बिल्कुल जोश में स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड लेक्चर रेशियो प्रपोर्शन पे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बस बताऊंगा कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और अपने टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, टॉपिक से पे आ जाएंगे। और रही बात कि पहले थोड़ी वीडियो की कंटिन्यूएशन नहीं थी, अब लेकिन वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में आएगा। अब हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हर एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, ताकि 3 से 4 महीने में हमारे चैनल पे सारा कंटेंट आपके पास बिल्कुल फ्री आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, सो जितने भी आप लोग लर्नर्स हैं, आप लोगों को जितने भी लोगों को स्टूडेंट्स को क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ एक शेयर करना ना भूलें, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सकें। हमारा टारगेट इस चैनल को आगे बढ़ाने का है, ताकि मैक्सिमम लोग आपके पास हमारे साथ जुड़ सकें और उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। पूरा टॉपिक कराया जाएगा, डिटेल में कराया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो अब रेगुलरली वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट रेशन प्रपोर्शन का अपलोड कर दिया जा चुका है, सेकेंड पार्ट आपके पास ये रहा, थर्ड पार्ट एंड एज सो ऑन, ये चलता जाएगा। हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पहला पार्ट जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और यहां पर जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था पहले वाले पार्ट में। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सिर्फ इसी पार्ट में मैंने 32 क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। अब लेकिन क्या करना है कि 32 क्वेश्चन पूरा इस वीडियो में नहीं रहेगा, मैं 14 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन तक इस वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये पूरे 13 क्वेश्चन हो चुके थे, हम लोग चलेंगे 14 क्वेश्चन पे। अब मैं कुछ चीजें बता दूं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, कि जैसे हमारे पास देखिए, इनकम किसी की भी आय, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्च प्लस बचत यानी सेविंग। ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है भाई, किसी की भी जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी का भी जो सेविंग है, बचत है, दैट इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही बनेगा। अब होता क्या है कि देखिए, ज्यादातर सवालों में क्या होता है कि हमारे पास इनकम का 2 लोगों का रेशियो दिया होता है, ठीक है, जैसे 5:3 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होता है 9:5, और सेविंग का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में सेविंग सेम रहता है, कई बार क्वेश्चन में सेविंग डिफरेंट रहता है, और इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इन चारों में से कोई एक चीज बोलेगा आपको निकालने के लिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम लोग। अच्छा, मैं चाहूं तो मैं एक और तरीके से कर सकता हूं उसको, कि मैंने लिखा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग, इसको भी लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आपके पास 5:3 दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि इसको 5x मान लिया जाए और इसको 3x मान लिया जाए, मान सकते हैं। एक्सपेंडिचर को 9:5 रहने दीजिए। मैंने कहा कि इनकम में से अगर सेविंग को माइनस करेंगे, इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है मुझे, एक्सपेंडिचर मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी का अल्टीमेटली रेशियो लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, इनकम ऑफ ए दैट इज 5x, में से सेविंग ऑफ ए दैट इज 2600, इसको माइनस कर दिया हमने, अपॉन इनकम ऑफ बी दैट इज 3x माइनस सेविंग्स ऑफ बी दैट इज 1800, इसको माइनस किया, और ये हमारे पास कितने के बराबर आ गया, अल्टीमेटली 9/5 के बराबर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहां पे 5 5 25, 25x माइनस 26 5 दैट इज कितना, 130, 13,000 इक्वल्स टू 9 3 27, 27x माइनस का 18 9 दैट इज कितना, 16,200, ये बन गया। अगर 25 इधर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2x इक्वल्स टू 16,200 इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 13,000 में से माइनस करेंगे, 13,000 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3,200। तो अल्टीमेटली अगर मैंने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2x बराबर 3,200, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 1,600 आएगा। 3,200 को 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1,600 आ गया, ठीक है, अगर 1,600 आ गया। तो अब देखिए, इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आप लोगों को ये चीज, ये तरीका नहीं सिखाना चाह रहा था।
मैंने आप लोगों को बता दिया भाई बेसिक तरीका क्या है। अब इनकम ऑफ ए निकालना है तो 5x है, x की वैल्यू 1600 पुट कर दीजिए। बट मेरा ये तरीका बताने का बिल्कुल मतलब नहीं था, मैं चाहता था कि आप लोगों को टेक्निक थोड़ा बेसिक बताने के बाद बताऊं। अब मैं सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं, सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं कि क्योंकि अब आप लोगों ने देख लिया कि भैया पेन वर्क कितना चल रहा है मेरा और पेपर वर्क कितना लग रहा है मेरा। ठीक है, चलिए बिल्कुल पहला सवाल है आज का, तो एकदम आराम से करेंगे। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है। कितना इनकम का रेशियो है, दैट इज 5:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, दैट इज 9:5। और सेविंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2600। और यहां पे कितना है, 1800 है। तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहां पर हमारे पास इन दो लोगों को माइनस कर, दो चीजों को माइनस करने पे अगर तीसरी चीज मिलती है और ये जो तीसरी चीज है ये वैल्यू में दिया हुआ है, बाकी दो चीजें अगर रेशियो में दिया हुआ है, तो जो मैं टेक्निक बता रहा हूं हर वो दुनिया के फॉर्मूले में अप्लाई होगा। जैसे सेविंग का वैल्यू अल्टीमेटली क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। तो कोई भी यूनिवर्सल फॉर्मूला जहां पे ये चीज एप्लीकेबल होगी कि दो चीज को माइनस करने पे तीसरी चीज मिल रही होगी, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है और इसका रियल वैल्यू दिया हुआ है, आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा दूंगा। एनीवेज क्या करना है, आप यहां पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पे सेविंग मिलेगा, तो पहले लिखेंगे इनकम फिर एक्सपेंडिचर फिर सेविंग और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 कितना बनेगा, 27। 5 5 कितना बनेगा, 25। और आपको लेना है डिफरेंस, 27 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा, ये बनेगा 2। सिमिलरली आप लोग यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 26 कितना बनेगा, दैट इज 130। ये बनेगा 13,000। कुछ सोल्यूशन देखिए, जो पिछला वाला मैंने लिखा था वैसा सिमिलर सा बन रहा है, बट क्या है एक पैटर्न हम लोग याद करेंगे और इसी चीज को अप्लाई करेंगे। 9 × 18 कितना बनेगा, 16,162 और 100, 16,200। अब यहां पे भी डिफरेंस लेना है, देखिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 16,200 में से 13,000 माइनस होगा तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 3200। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो 2 आया हुआ है और यहां पे कितना आया, 3200 आया हुआ है, तो ये जो 2 यूनिट्स यहां पे आया है इसी का वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास, 3200। 2 यूनिट्स 3200, तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 1600 के बराबर बनेगा। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि मैंने एक सवाल पूछा कि क्या आपके पास यहां पर सेविंग इक्वल है, क्या सेविंग इक्वल नहीं है, दोनों सेविंग अलग अलग है। अगर सेविंग इक्वल नहीं है तो ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ इनकम पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम पे एप्लीकेबल होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया इनकम ऑफ ए निकालना है, इनकम ऑफ ए कितना यूनिट है। देखिए ये मेरे पास कोई रेशियो चेंज नहीं आया, रेशियो आपके पास 5:3 और 9:5 ही है। तो इनकम ऑफ ए कितना यूनिट था, हमारे पास 5 यूनिट, तो कितना बनेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1600, कितना आएगा, 8000। इनकम ऑफ बी की बात करेंगे, कितना यूनिट है इनकम ऑफ बी, दैट इज 3 यूनिट है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1600, कितना आएगा, 4800। फिर सेविंग तो पता है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकालना है, कितना आएगा, 8000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 2600 रुपीज बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, 8000 में से 2600 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5400। एक्सपेंडिचर ऑफ बी की बात करते हैं, 4800 कमाने वाला आदमी अगर अल्टीमेटली कितना, 1800 रुपए बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, 4800 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3000। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि ये क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा आपके पास क्वेश्चन है, ये हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 6 है, ओके फाइन। तो ये हमारे पास क्या क्या आंसर बना, 8000, 4800, 5400, 3000, ये सारे हमारे पास आंसर्स बन गए। इनमें से कोई एक चीज पूछेगा, सारी चीज नहीं पूछेगा, मैंने सारी चीज आप लोगों को निकाल के बता दिया। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अगर सेविंग बराबर नहीं है तो ये जो 1 यूनिट रहता है ये सिर्फ और सिर्फ इनकम पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ इनकम पे अप्लाई किया है मैंने, एक्सपेंडिचर पे निकालने, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया है। पहला सवाल हो चुका, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है विद डिफरेंट डेटा, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग कि यहां पर मैं बिना कोई ट्रेडिशनल मेथड के कुछ एक ट्रिक अप्लाई करूंगा जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहां पे इनकम का रेशियो कितना है, इनकम यहां पे है 3:2, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर
दैट इज 4:3। और सेविंग का वैल्यू कितना है, यहां पर भी सेविंग का वैल्यू डिफरेंट है, दैट इज 2,900। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर सेम फॉर्मेट में रखना है, इसमें से ये माइनस करने पे ये मिलता है, जो मिलता है वो वैल्यू वाइज है, बाकी जो चीजें माइनस हो रही है वो रेशियो वाइज है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 4 2 8, डिफरेंस कितने का आया 1 का, 3 2000 कितना बनेगा 6000, 4 9 3600। अब कितने का डिफरेंस आया 2400 का, तो अल्टीमेटली जो 1 यूनिट रहेगा वो कितने के बराबर बनेगा, 2400 के बराबर बनेगा। 1 यूनिट 2400 के बराबर बनेगा, 1 यूनिट 2400 के, तो देखिए ये जो 1 यूनिट रहेगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेविंग, क्योंकि अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ इनकम पे ही अप्लीकेबल होगा। तो आपसे पूछा गया भैया इनकम ऑफ ए बताइए, इनकम ऑफ ए कितना यूनिट है, इनकम ऑफ ए हमारे पास 3 यूनिट है, तो यहां पे देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2400, कितना आएगा 7200। इनकम ऑफ बी कितना है, इनकम ऑफ बी 2 यूनिट्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2400 एंड दैट इज कितना 4800। अगर पूछा जाए कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए तो देखिए 7200 ए कमाता है और 2000 रुपए बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 7200 माइनस 2000 दैट इज कितना बनेगा 5200। इसको सॉल्व करना पड़े। एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी कितना कमाता है, बी कमाता है 4800, कितना आपके पास बचाता है दैट इज 900, तो 4800 में से अगर 900 माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आएगा 3900। ये सभी का आंसर आ गया। एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा, सेविंग बराबर नहीं है तो ये जो 1 का यूनिट रहेगा ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब देखिए ये कोई इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में यही बताना चाहता था कि कुछ सर्टेन आपके पास फॉर्मेट होता है जहां पर जो ट्रिक्स होती हैं वो लिंक्ड होती हैं, वो ट्रिक को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल सोल्ड बाय शॉपकीपर इज 5:7। ये सोल्ड वाला है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स टू दैट ऑफ मोबाइल द शॉपकीपर हैड, जिस उसके पास कितना था वो रेशियो था 9:8, और अनसोल्ड वाले का रेशियो दिया, सॉरी अनसोल्ड वाले का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल जितना भी लैपटॉप या फिर मोबाइल है आपके पास, उसमें से अगर सोल्ड वाला माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, अनसोल्ड की आएगी। तो मैंने कहा था दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जिसमें दो चीज़ों को माइनस करके अगर तीसरी चीज़ मिलेगी, जो मिल रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है जैसे कि ये, और बाकी दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो आप जो टेक्निक आपने अभी सीखा हुआ है इस तरीके से, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के तरीके से, वो हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा सोल्ड वाला पहले दिया हुआ है, टोटल वाला बाद में दिया हुआ है। तो मैं पहले क्या करता हूं, मोबाइल रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ, हाँ तो लैपटॉप्स और मोबाइल, यहां पर पहले टोटल का रेशियो लिखता हूं, कितना आएगा हमारे पास, ये रेशियो दिया हुआ है 9:8। देन सोल्ड की रेशियो देखते हैं, सोल्ड का रेशियो कितना है, दैट इज 5:7। जस्ट अ सेकेंड, 5:7। और अनसोल्ड का वैल्यू कितना है, अनसोल्ड का वैल्यू 105 और ये है 55। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आराम से एक एक चीज को सीखते चलेंगे। यहां पे 5 8 40, 7 9, 7 9 63, डिफरेंस कितने का आएगा 23 का, 7 × 105, ठीक है 7 × 100 700, 7 5 35, ये बन गया 735, 5 × 55, ठीक है ये कितना बनेगा 5 × 50 250 और 25 और 275। अब ये माइनस करना है, कितना बनेगा भाई, 5 में से 5 चला गया 0 और आपके पास 73 में से 27, 13 में से 7 गया यानी 6 और 6 में से 2 गया
460। तो देखिए 23 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपके पास कितने के बराबर बनेगा, 460 के बराबर बनेगा, 23 का वैल्यू 460 के बराबर। तो 23 यूनिट हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 460 के बराबर आ गया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 23 का डबल होता है 46, यानी 21 यूनिट का वैल्यू 20। अब देखिए ये जो 1 यूनिट है ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, ये सोल्ड वाले रेशियो पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल वाले पे एप्लीकेबल होगा। अब जरा ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेशियो ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड नंबर ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है, सोल्ड और अनसोल्ड नंबर ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है। देखिए अगर लैपटॉप की बात कर रहे हैं हम लोग और सोल्ड एक तरफ और अनसोल्ड एक तरफ, तो अनसोल्ड तो पता है अनसोल्ड कितना है, दैट इज अनसोल्ड इज लैपटॉप 105, अनसोल्ड लैपटॉप्स इज 105, और सोल्ड लैपटॉप कितना आएगा। देखिए अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो लैपटॉप का यूनिट कितना है हमारे पास, 9। तो टोटल लैपटॉप जो हमारे पास आएगा, टोटल लैपटॉप्स दैट इज कितना बनेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट इज कितना 180, 180 लैपटॉप है, जिसमें से 105 तो आपके पास अनसोल्ड है, तो सोल्ड वाले कितने हो गए, 75, ठीक है। तो हमें 75 और 105 का रेशो चाहिए। अब इसको लिख लेते हैं, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे या 15 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 टाइम्स 15 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना 7 टाइम्स, 5:7, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी आई गेस कि आपके पास ये जो तीनों क्वेश्चन है ये हमारे पास लिंक्ड क्वेश्चन है, क्या फॉर्मेट लग रहा है वो फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए। धीमे धीमे एक एक पॉइंट को लिखते रहिए, कोई भी चीज मिस आउट ना हो, कि अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। अभी टेक्निक्स और जो भी चीजें मुझे सिखानी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, धीमे धीमे सीखते रहिए, अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। देखिए कितनी सारी चीजें सीखने को है और कितनी सारी कितना मजा आएगा आप लोगों को इस चीज को अप्लाई करने में। अगला सवाल मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या मैंने ये क्वेश्चन अभी नहीं कराया कि आपके पास इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है, सेविंग का वैल्यू डिफरेंट है। अब यहाँ पे इनकम ऑफ ए इनकम ऑफ बी नहीं पूछा हुआ है, डिफरेंस ऑफ बिटवीन दियर इनकम आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास SSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा जो क्वेश्चन होता है ये प्री में IBPS प्री वगैरह में इस तरीके का क्वेश्चन देखा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 30-40% इनका आपके पास कुछ वेटेज होता है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो यूनिक ऑप्शन वाइज दिया रहता है और आप इनको पिक कर सकते हैं। अब मैं इसमें कोई टेक्निक कोई सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, ये पेन फ्री रहेगा कि आपने अब सीख रखा है, अब आप लोग को अप्लाई करना है। मैंने कहा इनकम ऑफ ए कितना यूनिट, 8 यूनिट्स, इनकम ऑफ बी कितना यूनिट, 5 यूनिट। आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन दियर इनकम, मतलब डिफरेंस बिटवीन दियर इनकम कितना है, 3 यूनिट्स का। 3 यूनिट का अगर डिफरेंस है तो 3 यूनिट का मल्टीपल तलाशिए, क्योंकि जो भी हमारे पास इनकम ऑफ ए आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, इनकम ऑफ बी 5 का मल्टीपल होगा, तो डिफरेंस 3 का मल्टीपल होगा। देखिए 3 का मल्टीपल हमारे पास देख लीजिए, 3 का मल्टीपल ये चारों ऑप्शंस नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारे पास 42,000, यही मुझे दिखा, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इस तरीके का क्वेश्चन आने का मतलब होता है कि ठीक है स्टूडेंट को टेक्निक पता है, लेकिन क्या वो क्वेश्चन को 10 सेकंड 5 सेकंड में कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब भी मैंने ऑप्शन मेथड सिखाया होगा या ऐसा कोई टेक्निक सिखाया होगा तो स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर क्या ये चीज हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल नहीं, अगर मैं 3 का मल्टीपल सारे ऑप्शन दे दूंगा तो आपने जो सीखा हुआ है वो चीज आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा कई बार आपको एग्जामिनर जो रहता है वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं देता है इस तरीके से कि कोई टेक्निक आप लगा सको, तो आपको जो भी चीज आती है या बेसिक तरीका या इक्वेशन मेथड आपको वो चीज करना ही पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है, बट जहां पर यूनिक ऑप्शन रहेगा ऐसे 30-40% क्वेश्चन, ऐसा मेरा अनुमान है कि 30-40% सवाल ऐसे रहते हैं जहां पर आपके पास ऑप्शन मेथड लगाया जा सकता है, 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे क्वेश्चन अगला टाइप देखिए क्या है कि जब हमारे पास दो लोगों की बात करता है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, ऐसा सवाल कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सेविंग देखिए अब क्या दिया हुआ है, ईच सेव्स ₹6,000, मतलब सेविंग का वैल्यू बराबर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पर अगर मैं इनकम की बात करूं ए और बी, ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है, दैट इज 3:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:3, और सेविंग का वैल्यू कितना है, दोनों का सेविंग 6,000 रुपए, 6,000। तो आप जरा ये बताइए कि हमारे पास अगर ए का इनकम और ए का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, दैट इज 1 यूनिट,
यहां पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये भी कितना बनेगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए कि 1 यूनिट अगर हमारे पास दोनों तरफ, ये बिल्कुल एज इट इज प्लेटर पे दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। आप देखा डायरेक्टली डिफरेंस, आपने देखा यहां पे 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 1 और दोनों तरफ डिफरेंस, हमारे पास सेविंग सेम है, तो डायरेक्टली कर देंगे कि 1 का यूनिट कितने के बराबर आएगा, 6000 रुपए के बराबर आ जाएगा। अगर 1 यूनिट 6000 के बराबर आ गया तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पूछा क्या सेविंग बराबर है, हाँ सेविंग बराबर है, तो ये जो 1 यूनिट रहेगा ये इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों जगह पे एप्लीकेबल होगा, इनकम पर भी एप्लीकेबल होगा और एक्सपेंडिचर दोनों पे एप्लीकेबल होगा, यहां पर कोई माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आंसर आ सकता है, बट यहां पर 1 यूनिट जो रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर दोनों पे एप्लीकेबल होगा। अब मैं लिख देता हूं, देखिए 1 यूनिट हमारे पास 6000 के बराबर है, इनकम ऑफ ए, यहां पे इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ ए की बात करते हैं भैया, 1 यूनिट 6000 के बराबर है, इनकम ऑफ ए कितना है, 3 यूनिट, 3 × 6000 = 18000। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जितना भी रेशियो है सबको 6000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकम ऑफ बी 4 × 6000 दैट इज कितना, 24000, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना बनेगा, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट 2 × 6000 दैट इज 12000, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देखिए मैं सब कुछ निकाल के दे दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों को जब भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेगा, जरूरी नहीं कि इनकम ऑफ ए से पूछेगा, कुछ भी पूछेगा आप सब निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना बनेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी हमारे पास कितना है, दैट इज 3 यूनिट्स, तो 3 × 6000 दैट इज कितना बनेगा, 18000। ठीक है, तो आई सपोज कि अगर आप लोगों को अब कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अब देखिए यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर, यहां पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इनकम कितना 7 यूनिट, यहां पे कितना 6 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 5 और 4, सेविंग की बात करते हैं कितना है हमारे पास, दोनों का सेविंग 4000। अब देखिए डायरेक्टली देखते हैं, 7 - 5 ये कितना बनेगा हमारे पास, 2 यूनिट, 6 - 4 ये भी कितना बनेगा, 2 यूनिट, दोनों का सेविंग सेम है, यहां पर भी 4000 है और यहां पर भी 4000 है, तो आप देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना बन गया, 4000, 2 यूनिट्स 4000, 1 यूनिट 2000, 1 यूनिट कितना बनेगा, 2000 रुपए के बराबर बनेगा। अब सवाल ये बनता है कि ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है ये कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा, 1 यूनिट का वैल्यू जो रहेगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पे एप्लीकेबल होगा, इनकम पर भी एप्लीकेबल होगा और एक्सपेंडिचर दोनों पे एप्लीकेबल होगा। अब देखिए वही चीज मैंने यहां पर भी कर रखा है कि भाई सारी चीजों को निकालना है आपको, तो एक बार और कर लेते हैं, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, 1 यूनिट बराबर 2000, इस रेशियो में सभी रेशियो में हम लोग 2000 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यूनिट बराबर 2000 तो 7 बराबर कितना 14000, 6 बराबर कितना 12000, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 5 यूनिट्स ये बनेगा 10000, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 4 यूनिट्स 8000, ये सारा वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इनमें से देखिए अल्टीमेटली एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा, बट कोई बात नहीं, हमने सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। अगला सवाल, अब थोड़ा सा मैं और एक्सेप्शंस पे चलता जाऊंगा, ठीक है, वही देखिए इनकम एक्सपेंडिचर कितने सारे फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, दैट इज इनकम यहां पे ए यहां पे बी, इनकम का रेशियो कितना 5:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना 7:2 और सेविंग का वैल्यू कितना, सेविंग सेम दिया हुआ है 16000। कंडीशन देखिएगा यहां पे ध्यान से, अगर मैं कोशिश करूं यहां पे डिफरेंस लेने की, 5 - 7 लेने का कोई मतलब नहीं है, माइनस में डिफरेंस यहां पे आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे, और इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे 2 - 2 = 0, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अब देखिए डिफरेंस अगर फॉलो नहीं करेगा, डिफरेंस अगर फॉलो नहीं करेगा तो हमें डिफरेंस को फॉलो कराना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखिए देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड डिफरेंस टेक्निक, कैसे लगाते हैं हम लोग, रो वाइज हम लोग लेते हैं डिफरेंस, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, 5 और 2 का डिफरेंस कितना 3, 7 और 2 का डिफरेंस कितना 5, ठीक है, इस वाले डिफरेंस को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तीन को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तीन को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए और बी आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर, यहां पर हम लोग लिखते हैं पांच मल्टीप्लाई करने में कितना बनेगा, पांच मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आएगा, 25 और 10, तीन मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 21 और 6, और सेविंग कितना दिया हुआ है, 16,000, ये भी दिया हुआ है सेविंग 16,000 और 16,000, 25 और 21। अब देखिए इस वाले रेशियो पे ध्यान नहीं देंगे हम लोग, अब नए वाले रेशियो जो भी नए चीजों को बदलाव लिया गया है, अब जो डिफरेंस आया है, अब जो रेशियो बना है 25, 10, 21, 6, अब उस वही हमारा नया रेशियो है, अब पुराने वाले को भूल जाएंगे हम लोग कि अब देखिए ये डिफरेंस को अब फॉलो करेगा, जैसे ही आप लोग ये रो में डिफरेंस लेके और यहां वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वो पैटर्न फॉलो हो जाएगा। 25 में से 21 माइनस किया कितना बनेगा, 4। 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 4। तो अल्टीमेटली 4 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 4 यूनिट 16,000 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 4,000 के। 1 यूनिट कितने, 4,000। तो 1 यूनिट कितना बना, 4,000। 1 यूनिट 4,000। अब आपको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है दैट इज इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, सारी चीजें निकालनी, फाइन। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूं, अगर मुझे इनकम ऑफ ए निकालना है तो 1 यूनिट 4,000 है, अब मैं सारी वैल्यूज को क्या करूंगा, 4,000 टाइम 4,000 मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। 25 का वैल्यू कितना बनेगा, 25 इंटू 4 दैट इज 100, और 1,000 और, तो ये बन गया 1,00,000, 50। इनकम ऑफ बी 1 यूनिट बराबर 4,000, तो 10 यूनिट बराबर कितना, 40,000, ठीक है। अच्छा एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना बनेगा, ट्वेंटी वन यूनिट्स, एक बराबर 4,000, तो 21 बराबर कितना, 84,000। एक्सपेंडिचर ऑफ बी 1 बराबर 4,000, तो 6 बराबर कितना, 24,000। सारी वैल्यूज हमने निकाल दी, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल, एक और टाइप हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है, यहां पर कि इनकम ऑफ ए और बी हमारे पास जो दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए एंड बी इसका रेशियो है 2:1, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, दैट इज 3:1, सेविंग का वैल्यू कितना है, दोनों का सेम कितना, 5,000, और ये भी 5,000। तो आप जरा लिखेंगे डिफरेंस, 2-1 दैट इज कितना, 1, 3-1 कितना, 2। अब ये जो 2 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 2 जो नीचे है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई करने का कुछ खास कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं, ठीक है, फिलहाल मैं लिख देता हूं प्रोसेस के लिए। एनीवेज अब हम लोग इधर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे नए वाले पे, अगर मैं यहां पे इनकम की बात करूं, यहां पे एक्सपेंडिचर की बात करूं, और यहां पे सेविंग की बात करूं, ठीक है, आप क्या यहां पे ए यहां पे बी, तो ये कितना बनेगा, 4, यहां पे 2, और यहां पे कितना, 3, यहां पे 1, ठीक है, 5,000, और ये कितना बनेगा, 5,000, 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 का डिफरेंस कितना, यहां पे 1, 2 और 1 का डिफरेंस कितना, 1, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू 5,000, 1 यूनिट का वैल्यू 5,000। अब देखिए यहां पे मेरे से पूछा गया है इनकम ऑफ ए बताना है, इनकम ऑफ ए, तो 1 बराबर 5,000, तो 4 बराबर कितना, 4 इंटू 5,000 डेट इज कितना बनेगा, 20,000। इनकम ऑफ बी कितना बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 डेट इज कितना, 10,000। एक्सपेंडिचर ऑफ ए 1 यूनिट बराबर 5,000, तो 3 बराबर कितना, 15,000। एक्सपेंडिचर ऑफ बी 1 यूनिट ही है आपके पास, ये बनेगा 5,000, ठीक है। तो जब भी हमारे पास फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिफरेंस टेक्निक लगा लेंगे, ठीक है, कि जो रो में डिफरेंस आएगा,
ठीक है, ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, और जो नया रेशियो बन के आएगा अब यहीं से मतलब रहेगा। देखिए हालांकि एक्सपेंडिचर में 3:1 यहां पे भी था, यहां पे भी 3:1 है, उसमें कोई फर्क नहीं आया क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हुआ है, बट प्रोसेस हमारे पास, मैंने इसको बना दिया है कि आपके पास किसी भी तरीके से सवाल बनेगा आप लोग इसको लिख सकते हैं। कंडीशन यही रहेगा, डिफरेंस टेक्निक कहां पे लगाना रहेगा, जब हमारे पास सेविंग का वैल्यू सेम है और रेशियो जो हमारे पास है वो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 8,000, और एक कंडीशन है कि ए की सेविंग जो है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है। अब आपको निकालना है टोटल इनकम और टोटल सेविंग्स का रेशियो। ठीक है, अभी सवाल को देखते हैं जरा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इनकम ए बी कितना रेशियो है, 2:3, इसको मैं 2x और इसको 3x ले सकता हूँ, यस 2x और 3x ले सकते हैं। अब देखिए जो मैंने पैटर्न कराया हुआ है इससे हटकर क्वेश्चन है, तो वो पैटर्न की हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। एनीवेज, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किसी का इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है, यहां पे दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कितना 8,000। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना वाई, बी का एक्सपेंडिचर कितना 8,000 माइनस वाई, ए का एक्सपेंडिचर वाई और बी का एक्सपेंडिचर कितना 8,000 माइनस वाई। ठीक है, अब बात करते हैं जरा सेविंग की, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं उसको, सेविंग। देखिए कंडीशन यहां पे क्या है कि जो ए की सेविंग है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ए का सेविंग बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो सेविंग कैसे निकलता है, जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो ये कितना बनेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो 2x माइनस का वाई, ये आ गया आपके पास ए का सेविंग, ये तुम्हारे पास ए का सेविंग आ गया। अब ए का सेविंग है 2x माइनस वाई, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 8,000 माइनस वाई, तो इन दोनों का वैल्यू क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो वैल्यू हमारे पास है वो बराबर है। कर लेते हैं सॉल्व, तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8,000 माइनस वाई। तो आप देखिए यहां पे वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, और 2x बराबर 8,000, तो x बराबर कितना आ गया, 4,000 आ गया, x बराबर 4,000 रुपए आ गया। तो x बराबर 4,000, तो 2x बराबर कितना आएगा, 8,000, 3x बराबर कितना, 12,000, ठीक है, 2x बराबर 8,000, 3x बराबर 12,000, इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी अपॉन सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ बी का वैल्यू निकालना है आपको। ए का इनकम 8,000, बी का इनकम 12,000, दोनों का सम 8,000 और 12,000 कितना बनेगा, 20,000। ए का सेविंग और बी का सेविंग निकालना है। अब एक सिंपल सी बात बताइए, दो लोग मिलकर 20,000 रुपए कमाते हैं, दो लोग मिलकर 8,000 रुपए, वही दो लोग मिलकर 8,000 रुपए खर्च करते हैं, 20,000 रुपए कमाने वाले लोग अगर 8,000 रुपए खर्च करेंगे तो बचाएंगे कितना, 20 माइनस 8 दैट इज कितना, 12,000। अब देखिए यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3,030 चला गया, 4 से कैंसिल आउट कर दिया, 4 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 4 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड द आंसर इज 5:3। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5:3। अब देखिए इसका ना एक और तरीका है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले आप लोग आराम से इसको एक एक चीज को लिख लीजिए, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया हूं, एंड जो पुराना पैटर्न, अभी इसके पहले जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था, उस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोग को नई स्किल्स देखनी पड़ेंगी। और देखिए अल्टीमेटली हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, कंडीशन कुछ भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। वो जो क्वेश्चन आप इसके पहले कराया था वो फिक्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, अब हमने क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैंने कहा कि ये मेथड वन है, ठीक है, अब जरा इसी सेम क्वेश्चन के मेथड टू पे चलते हैं, मेथड टू पे चलते हैं। कंडीशन क्या है, ए की सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये मेन कंडीशन दिया हुआ है।
अब किसी का भी खर्च निकालने के लिए, जैसे बी का खर्च निकालने के लिए बी के इनकम में से सेविंग ऑफ बी माइनस कर दीजिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा यूज करते हैं। सेविंग ऑफ ए को मैंने एज इट इज रहने दिया, एक्सपेंडिचर ऑफ बी को इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग ऑफ बी मैंने माइनस कर दिया, सेविंग ऑफ बी को उधर लेके गए। तो आप देखिए यहां पे सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ बी इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ बी, ये आ गया सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ बी। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए आइडिया इज कि बहुत आराम आराम से जो चीजों को आराम आराम से सिखाना है। पिछले वाले क्लास में मैंने आपके पास क्या किया था कि मैं फटाफट क्वेश्चंस करा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में जहां पर कुछ समझाने वाला पॉइंट था वहीं पे मैं समझा रहा था। अब यहां पे क्या है इस वाले क्लास में कि बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी, तो मुझे एक एक चीज को डिटेल में बताना है। ठीक है, अब देखिए सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ बी का वैल्यू कितना आ गया, इनकम ऑफ बी के बराबर आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी अपॉन सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ बी इक्वल्स टू इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए दैट इज कितना यूनिट है हमारे पास, 2 यूनिट्स। इनकम ऑफ बी कितना यूनिट्स, 3 यूनिट्स। इनकम ऑफ ए 2 यूनिट्स, इनकम ऑफ बी 3 यूनिट्स, 2 प्लस 3 अपॉन सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ बी कितना बनेगा, इनकम ऑफ बी बनेगा। इनकम ऑफ बी कितना हमारे पास, 3 यूनिट्स। ठीक, कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, बहुत अलग ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली द आंसर इज कितना, 5/3। ठीक है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 5/3। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हर ट्रेडिशनल किताबें जो भी आपके पास सॉरी जो पुरानी किताबें हैं उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। वहां पे जो अप्रोच है थोड़ी सी लेंदी अप्रोच दी हुई है, हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि पिछले साल लास्ट ईयर ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मैं पूरे क्वेश्चन को जरा लिख देता हूं आराम से। ठीक है, मैं पूरे पैटर्न को पहले लिख देता हूं। सो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हमारे पास ए और बी के जो इनकम का रेशियो है दैट इज कितना, 3:5 है। मतलब ए अगर 3 रुपए कमाता था तो पिछले साल बी जो है 5 रुपए कमाता था। अब इंडिविजुअल दिया हुआ है, कैसे, ए की बात किया हुआ है लास्ट ईयर इज टू प्रेजेंट ईयर। अब सिर्फ ए का कंपैरिजन है कि ए पिछले साल कितना कमाता था और अभी कितना कमाता है, तो ए का जो हमारे पास रेशियो है दैट इज 2:3 और बी का जो रेशियो है लास्ट ईयर इज टू प्रेजेंट ईयर ये 4:5। ठीक है, सो ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग सिर्फ ए की बात करें अभी, देखिए अगर ए लास्ट ईयर 2 रुपए कमाता था और प्रेजेंट ईयर में 3 रुपए कमाता है, तो कितने रुपए का उसकी सैलरी की सैलरी में डिफरेंस आया, 1 रुपए का इंक्रीमेंट आया है। 1 रुपए का इंक्रीमेंट कितने पे, 2 रुपए पे। हमेशा लास्ट ईयर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई अगर 100% करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए के सैलरी में 50% का चेंज आया हुआ है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा कि मैं लास्ट ईयर दोनों का जो सैलरी है इसको छोड़िए, अभी अभी जो इंडिविजुअल सैलरी है ए का लास्ट ईयर और ए का प्रेजेंट ईयर, ए पिछले साल 2 रुपए कमाता था प्रेजेंट ईयर में 3 रुपए कमाता है, तो आपके पास कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, 1 रुपए का, कितने पे, 2 पे। 1/2 इज कितना परसेंट, 50%। अगर आप बी की बात करिए तो बी का रेशियो कितना बन रहा है, 4:5। कितने का इंक्रीमेंट, 1 रुपए का इंक्रीमेंट, कितने पे, 4 पे। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100% ये कितना आएगा हमारे पास, 25% का इंक्रीमेंट। तो ए का जो हमारे पास इंक्रीमेंट है 50% और बी का जो इंक्रीमेंट हो गया वो कितना आ गया हमारे पास, 25% का। ए का इंक्रीमेंट 50 और बी का इनकम कितना, 25% इंक्रीज कर गई। एक बहुत बेसिक सी चीज होती है कि अगर मान लीजिए पिछले साल के रेस्पेक्ट में मेरी सैलरी 50% बढ़ जाए, 50% सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा, तो मेरी सैलरी इस साल जो हो जाएगी वो 150% हो जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में, पिछले साल के रेस्पेक्ट में। तो सेम तरीके से अगर ए के सैलरी की बात करिए आप,
तो जितनी भी उसकी पिछले साल की सैलरी रही होगी, अगर उसके सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, अगर जितना भी इसके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसकी सैलरी इस साल पुराने साल की 150% हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मैं जरा यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट ईयर, यहां पे लिखा ए, यहां पे लिखा बी। तो ए का हमारे पास पहले पिछले साल की सैलरी लिखी है, मुझे निकालना किसका है, प्रेजेंट का। मैंने कहा लास्ट ईयर का लिखो, लास्ट ईयर का कितना रेशियो है हमारे पास, ए और बी का लास्ट ईयर का पहले लिख लीजिए, ये कितना है 3 और ये कितना है 5, पहले लिख लीजिए। तो ए की सैलरी है 3 रुपए और बी की सैलरी कितनी है 5, लेकिन मैंने कब का लिखा हुआ है, लास्ट ईयर का लिखा हुआ है, मुझे कब का निकालना है, प्रेजेंट ईयर का निकालना है। प्रेजेंट ईयर का निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, मैंने आपसे पूछा कि ए के सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ रहा है, 50% का इंक्रीमेंट आ रहा है। अच्छा 50% का, तो पुराने वाले सैलरी में 150% कर दो उसको, पुराने वाले सैलरी में 150% कर देंगे, 150/100। बी की सैलरी की बात करेंगे, बी की सैलरी कितनी है, 5 यूनिट, 5 रुपए पिछले साल थी, बी की सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट आया, 25% का। अगर बी की सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट आया तो वो कितना बन जाएगा, अपने आप का 125%। ठीक है, ये हमने दिख लिया। अब जरा देखिए कि मैं सर्कल कर देता हूं, कुछ चीजों को मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जरा 150/100 पे ध्यान दीजिए और ये जरा 125/100 पे ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, ये हमने पुराने साल का 3 और 5 लिख लिया, 3 और 5 लिख लिया, वो तो ठीक है। ये 150/100 क्या है, 150/100 क्या है, 150/100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3/2। 3/2 मतलब 3/2 तो हमारे पास ये जो प्रेजेंट, इसको उल्टा पढ़िए, ये प्रेजेंट अपॉन लास्ट करिए तो यही तो हमारे पास 3/2 हमारे पास ये बन रहा है, 3/2 बन रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पुराने ईयर का, लास्ट ईयर का ए और बी की सैलरी लिख दीजिए यूनिट्स कितना है, और जो इंडिविजुअल दिया हुआ है लास्ट ईयर इज टू प्रेजेंट ईयर, अगर इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो हमारे पास करना था, बस 150/100 क्यों लिखेंगे, डायरेक्टली 3/2 लिख दीजिए। मतलब इस 3 में 3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी की बात करते हैं, बी का हमारे पास कितना हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट, यानी कितना बन रहा है, देखिए 125/100, 25 से डिवाइड करिए कितना बनेगा 5, 25 से डिवाइड करिए कितना बनेगा 4, तो ये कितना बन रहा है 5/4। देखिए इसको उल्टा पढ़िए, ये हमारे पास कितना था 5/4। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं कुछ चीजों को और मैं वापिस से लिखूंगा। प्लीज जितने भी लोग कॉन्सेंट्रेट करके सुन रहे हैं उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि चलो ये मैंने लिख दिया था, कोई बात नहीं, मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों का और टाइम लूंगा इस सवाल में और मैं चाहता हूं कि एकदम अच्छे से समझिए आप लोग। मैं वापिस से ए और बी की बात करता हूं। मैंने कहा क्या करना है, आप पहले मुझे चाहिए प्रेजेंट ईयर की सैलरी, प्रेजेंट ईयर का सैलरी का रेशियो चाहिए, तो आप पहले लास्ट ईयर का लिखिए जो ए और बी का इंडिविजुअली दिया हुआ, ए और बी का दिया हुआ है 3:5। ठीक है, एक साथ ये लिख लिया मैंने। अब बात करते हैं ए का, तो ए का पिछले साल की सैलरी थी 2 रुपए, प्रेजेंट ईयर की सैलरी कितनी है 3 रुपए। तो देखिए एक हमने पढ़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो न्यू अपॉन ओल्ड होता है। ये लास्ट ईयर है और जो प्रेजेंट ईयर है वो न्यू है, इसका न्यू अपॉन ओल्ड करेंगे वही चीज पुराने वाले में मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है, प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक काम करिए, प्रेजेंट अपॉन लास्ट ईयर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा 3/2, ये रेशियो आ गया। पी का वैल्यू कितना है 5, एज इट इज लिख दिया, और यहां पे प्रेजेंट अपॉन लास्ट ईयर कितना बनेगा 5/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 3 3s are 9 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 18, और यहां पे कितना बनेगा 25। कितना रेशियो आएगा ए और बी के प्रेजेंट ईयर की जो सैलरी आएगी वो कितना बनेगा 18 और 25 आएगा। ठीक है, सम ऑफ द ईयर प्रेजेंट इनकम कितना दिया हुआ है 8600, हमारे पास सम ऑफ द ईयर प्रेजेंट इनकम दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, ए का प्रेजेंट इनकम हमें निकालना है, कितना बनेगा 18 यूनिट्स आउट ऑफ कितना 18 और 25 मिला के 43 मल्टीप्लाइड बाई कितना 8600। 43 से कैंसिल आउट करेंगे कितना बनेगा 200, और 18 × 2 कितना बनेगा 3600। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया,
इनकम ऑफ ए 3600, मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इनकम ऑफ बी निकालना होगा 25 आउट ऑफ 43 मल्टीप्लाइड बाई 3600, ये मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो सवाल का मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बहुत आराम आराम से मैं कुछ चीजों को बता रहा हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन है मेरे पास अब, लेकिन मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है नेक्स्ट टाइम में। मैंने आपसे पूछा कि भैया ए और बी क्या निकालना है, प्रेजेंट ईयर का रेशियो निकालना है। अलग अलग पेन का इस्तेमाल करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा पिछले साल ए और बी के इनकम का रेशियो कितना था, 25 और 24 लिख दो, ये आया 25 और ये कितना बना 24, 25 एंड 24। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ए का इंडिविजुअल देखिए, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर कितना बनेगा, 5 और 7 रेशियो है, इसको उल्टा मल्टीप्लाई करो, 7:5, यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 7/5, जो प्रेजेंट अपॉन लास्ट ईयर बनेगा। फिर यहां पे देखते हैं बी की बात करते हैं, यहां पे रेशियो कितना है, 4:9, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, प्रेजेंट अपॉन लास्ट ईयर, दैट इज 9/4। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया हुआ है और इसकी टेक्निक क्या है। 5 से कैंसिल आउट किया तो यानी 5 times, 4 से कैंसिल आउट किया यानी कितना, 6 times, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। 5 7 35, 6 9 कितना बन गया, 54। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट का हमारे पास रेशियो आ गया 35:54। टोटल प्रेजेंट इनकम कितना है, 17,800 रुपए। ए का प्रेजेंट इनकम निकालना है, ए का प्रेजेंट इनकम निकालना है मतलब कितना बनेगा, 35 यूनिट्स आउट ऑफ कितना, 89 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 17,800। 89 से कैंसिल आउट कर देंगे यानी कितना बनेगा, ये 200 टाइम्स चला जाएगा, और 35 × 2 करेंगे दैट इज कितना, 7,000। 7,000 रुपए मेरे पास ए का इनकम आ चुका है, 7,000 रुपए इसका आंसर बन चुका है। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, सो देखिए यहां पे तीन लोगों की बात किया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, कितना रेशियो है लास्ट ईयर का, 3, 4, 5। अब देखिए हमने क्या सीखा हुआ है, मैं लिख लीजिए ए बी सी, क्या करना है आपको, प्रेजेंट का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट ईयर का रेशियो लिखेंगे कितना, 3, यहां पे कितना, 4, और यहां पे कितना, 5। अब इंडिविजुअल की बात करिए, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना है, 4:5, कितना मल्टीप्लाई होगा, उल्टा 5/4। फिर बी पे आएंगे, इंडिविजुअल कितना है, 2:3, कितना मल्टीप्लाई होगा, 3/2। सी की बात करेंगे, कितना रेशियो है, 3:4, कितना मल्टीप्लाई होगा, 4/3। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 times। ठीक है, अब ये 4 है, यहां पे 3 है, 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12, यहां पे आ गया 12। अब इस 12 को तीनों जगह पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, हम लोग एलसीएम मेथड लगा रहे हैं, बस की फ्रैक्शन जब बनता है तो एलसीएम मेथड का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में। तो अब एक सिंपल सी बात बताइए, 12 अगर इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 4 कैंसिल आउट कर देगा 3 times, 5 3 15 ऑलरेडी है, और बचा 3 और, तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 3 times, 5 3 15 3 45, 6 × 12 दैट इज कितना, 72। 3 ये 12, 4 times 16 580। ठीक है, ये 45 72 और 80 एबीसी के इनकम का, प्रेजेंट इनकम का रेशियो आ गया। सम ऑफ प्रेजेंट इनकम कितना है, 98,500। इनकम ऑफ ए अगर आपको निकालना है, प्रेजेंट इनकम ऑफ ए, ठीक है, तो यानी कितना बनेगा, 45 आउट ऑफ 5 2 7, 4 7 11 8 कितना, 19 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 98,500। 197 का अगर आप इसको 5 times कर देंगे, तो ये 5 times से चला जाएगा, 500 आपके पास आ गया। 45 × 5 करेंगे, 225 बना, 225 और ये 100। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे तो 22,500 रुपये इनकम ऑफ ए, ये मेरे पास आंसर आ चुका है।
सो आई होप आप लोगों को मजा आया, कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ चीजें मैंने बता रखा है इसमें। सो बहुत ही अच्छे से इसको सीखिए, आप लोग समझिए कि क्या क्या चीजें हैं। 40 नंबर से मैंने 25 तक क्वेश्चन कराया हुआ है, टोटल जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चन का बना हुआ है। तो धीमे धीमे एक एक आपके पास वीडियो हर 2 दिन पे 3 दिन पे आता रहेगा। और आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप लोग उसको डाउनलोड करिए, कोशिश करिए प्रिंट आउट लेने की। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों से, कि सजेशन है कि भैया आप लोग क्या करो कि जो पीडीएफ मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेके पीडीएफ का क्या करेंगे आप लोग, कि आपके पास जैसे एक पेज में एक क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, आप लोग वीडियो को देखिए और वहीं पर हैंड रिटन अपनी नोट्स बना लीजिए। आप लोगों को अलग से कॉपी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों का टाइम बचेगा। तो पीडीएफ का आप लोग अगर प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप लोगों के कहीं भी शहर में, अगर आप लोगों के आसपास कहीं पे कोई शॉप होगी जहाँ पे कुछ फोटोकॉपी बल्क में होता है, वहाँ पर प्राइसेस कम होते हैं, वहाँ पर आप जाकर प्रिंट आउट ले लीजिए और वहीं पर नीचे जो एक पेज रहेगा जहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वहीं पर सॉल्यूशन आप लोग भी लिख लीजिए, अपने कमेंट्स लिख लीजिए। ऐसे सारे चैप्टर्स में कर लेंगे तो सोचिए आप लोगों को क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चैप्टर के स्टैंडर्ड कुछ 50-100 सवाल आप लोगों के पास नोट्स में रहेंगे, किसी किताब को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो जो भी टेक्निक्स बताए जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, कोई भी चीज़ सीखनी है, प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए कि भैया ये टॉपिक पढ़ना है या कुछ भी है। अभी हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे। मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया हुआ है काफी डिटेल में, परसेंटेज कराया हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन काफी डिटेल में कराया हुआ है, अभी मैं रेशन प्रपोर्शन करा रहा हूँ, फोर्थ टॉपिक पे हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा कि आपके पास कुछ ना कुछ जो बाकी टॉपिक्स में आपके पास परसेंटेज में, मिक्सचर एलिगेशन में और टाइम एंड वर्क में जो अभी तक क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं, उनको मैं धीमे धीमे वीडियोज डालता रहूंगा। तो कंप्लीट 3-4 महीने में पूरे आपके पास इस चैनल पे कंप्लीट वीडियो हमारे पास आ जाएगा। तो आप लोग बस एक चीज रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, आप लोग प्लीज इसको जितना हो सकता है प्लीज प्रमोट कर दें, जितना भी हो सकता है शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके। थैंक यू सो मच। और एक आप लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, प्लीज कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप लोग। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।